सबसे मुखातब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, इत्तकुल्लाह, तक्वा इख्तियार करो, और जब मुत्तकी बन जाओ तो फिर कूनू मअस्सादिकीन, झूठों को छोड़ दो और सच्चों का दामन पकड़ लो। ये कुरान करीम है और तर्जमा यही है, हर एक ने यही तर्जमा लिखा है। सादिकीन की पहचान में अब आपको कोशिश करना है, तफसीरें पढ़नी है, रसूल की अमली प्रैक्टिकली तफसीर तारीख से तलाश करके देखनी है कि वो सादिकीन हैं कौन, और सादिकीन के साथ अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वो क्यों हुक्म दिया है कि सादिकीन के साथ हो जाओ। अगरचे ये सवाल तो आम है और जहन भी सोचता है कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों सादिकीन के साथ हो जाओ। कुछ दोस्त मुमकिन है कहे ये सवाल फजूल है, लेकिन इसमें एक राज है, अगर तवज्जो करोगे तो वो राज मिल जाएगा कि सादिकीन का इंतखाब अल्लाह ने क्यों किया कि तुम बाकियों को छोड़ दो, सिर्फ सादिकीन की सफ में खड़े हो जाओ। इंशाअल्लाह कोशिश होगी इशरे के दौरान ये राज खुल जाए। मैं काफी बातें आउट कर दूंगा, ठीक है, हाँ कहीं हाँ ज्यादा न खुल सके वो बातें, तो आप जैसे जहीन फहीम ये समझने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। कल की गुफ्तगू हमारी यहां पहुंची थी कि सादिकीन की पहली कड़ी दावत ज़ुलशीरा में नबी ने उसका ऐलान कर दिया, और साफ लफ्जों में नबी ने फरमाया फस्मऊ लहू व अतीऊ लहू,
इस अली की बात सुनो भी और इताअत भी करो। ये सादिकीन की पहली मंजिल। अब ये आप मिला ले, यहां अगर ब्लैक बोर्ड हो तो लिख ले, इधर पहले कुरान लिखे कूनू मा सादिकीन, उसके सामने आगे लिखना फस्मऊ लहू व अतीउ लहू। इधर आयत लिखनी है, यकीन समझ आता तो ऊपर आयत लिख दे, नीचे लिख दे हदीस। आयत कहती है कूनू मा सादिकीन, नबी कहते हैं फस्मऊ लहू व अतीउ लहू, इसकी बात कान खोल के सुनो और इसी की इताअत करो। यहां गुफ्तगू पहुंची थी और मैंने अर्ज किया था कि दावत जुलशीरा में दो वादे हो गए, एक वादा 13 साल जवान ने किया, एक वादा रसूल आजम ने किया। अब अगर मूड बन जाए वो वादे की कड़ियां आया उस जवान ने पूरी की या ना, उसके लिए चंद वर्क में खोलना चाहता हूं हिस्ट्री के कुछ हाँ पेज, ऐसे जल्दी जल्दी पेश करता जाऊंगा, सफे उल्टता जाऊंगा, जो जल्दी से देख सकता है उधर देख ले। क्यों? इसलिए कि वक्त के दामन में इस कदर गुंजाइश नहीं है कि मैं सफे खोल के बैठा रहूं हाँ और पूरा पेज आप पढ़ ले। नहीं, पेज नहीं पढ़ सकते, उसकी मेन सुर्खी देख ले जी। हाँ, दावत शीरा में जवान ने वादा कर दिया, या रसूल अल्लाह वादा है ये तौहीद भी पहुंचाऊंगा, रिसालत भी पहुंचाऊंगा, मैं अबू तालिब का बेटा वादा करता हूं, तेरे दुश्मन की हड्डियां भी तोड़ूंगा, तेरा दुश्मन जो होगा वो अली के हाथ से बच के नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, वादा है, ये किसी का और का वादा नहीं दोस्तों, ये अली का वादा है। एक तो लफ्ज वादे को समझ गए तो वादा क्या होता है और कुरान क्या कहता है वादे के मुतल्लिक, और फिर वादा करने वाला वो है कि जिसको नबी कहते हैं इससे बढ़कर कायनात में कोई और सच्चा है ही नहीं जी। आया उसने वादा निभाया या नहीं, तारीख ये कहती है वो वक्त भी आ गया जिसका नाम शब हिजरत है। कुफार का फैसला अटल हो गया रसूल के कत्ल के लिए, हर कुंबे खानदान से दो दो आदमी सेलेक्ट हो गए कि बनी हाशिम ताके बदला न ले सके, हर कबीला खून मोहम्मद में शरीक होगा जब तो फिर हाशमी इंतकाम लेंगे तो किससे, लिहाजा हर कबीले के अफराद कत्ल रसूल के लिए मुंतखब हुए और वो रात भी मुअय्यन हो गई जिस रात को नबी को वो कत्ल करना चाहते थे। अल्लाह का हुक्म पहुंचा, मेरा रसूल जो तेरी नुसरत के लिए यहां मक्के में तेरे ऊपर कुर्बान रहता था, अब जब अबू तालिब नहीं है तो मक्का छोड़ दो। जुमला छोटा है पर मजामीन इसमें ज्यादा है। अब यूं समझ ले, यानी जब तक अबू तालिब जिंदा थे नबी भी मक्के में थे, अबू तालिब न रहे तो मदी मक्का रसूल को छोड़ना पड़ा। और फिर रसूल आजम ने जी तैयारी की और बिस्तर पे उसे सुलाया जो नबी जैसा था। मैं यूं कह दूं कि कुछ कद कामत में तारीख ने कुछ फर्क लिखा है नबी और अली में, लेकिन तारीख अमली तौर पर यह कहती है कि शबे हिजरत अली नबी के बिस्तर पे चादर नबी ओढ़ कर यूं सोए कि अली नबी बन गए। सारी रात कुफार तलवारें लेकर दीवार के बाहर रोके रहे, लेकिन कुफार न समझ सके ये नबी है या अली है। और फिर तारीख ने ही मौत के बिस्तर पे सोना ये काम है अली का, और अली ने ये जुमला कहा था या रसूल अल्लाह मैं सिर्फ इतना आपकी ज़बाने अतहर से सुनना चाहता हूं, मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। फरमाया हाँ या अली, आपके सोने से मेरी जान बच जाएगी। देखकर बढ़कर अली ने सजदाए शुक्र किया। दोस्तों ये अली का सजदाए शुक्र है,
नबी की हिफाजत और अपनी मौत का सुनकर सजदा शुक्र है। ये बात बड़ी मुश्किल जरूर है। अब मैं हजरत इब्राहिम का वो वाकया पढ़े कि हजरत इस्माइल को जिबा करने के लिए पूरी डिटेल जो है वो दर्ज है। जरा पढ़े कि वहां पर हजरत इस्माइल ने ये मौत का सुना तो सब्र किया, कुरान याद है ना। अली ने मौत का सुना शुक्र किया, अली मौत का सुन के शुक्र करते हैं, इस्माइल मौत का सुन के सब्र करते हैं। सब्र होता है मुसीबत पे, शुक्र होता है नेमत पे। ना मैंने समझा सका, अल्लाह आपको बेटा दे, जो मिलने आएंगे क्या कहेंगे? शुक्र कर। फौकी हो जाए तो जो आएंगे क्या कहेंगे? सब्र कर। बस में आ गई जी। अली ने मौत का सुना तो सजदा शुक्र किया, इस्माइल ने, नबी है, नबी जादे है, खुद भी नबी है, हम मौत का सुना जी तो सब्र किया। अब अली में और नबियों में दोस्तों इतना फर्क तो समझ लो कि अली मौत को नेमत समझते हैं, नबी मौत को मुसीबत समझते हैं। शबे हिजरत का किस्सा मुकम्मल पढ़ा जाए तो यकीनन एक घंटा जो है मौजूद इसी पे चाहिए कि आयत उतरी वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिलिबाद। सोने वाले ने अपनी जान बेच दी, खरीदने वाले ने जान खरीद ली। वो बात यह है उसने जान दी, उसने जान ली, हाँ, लेकिन जिसने ली उसने कीमत ये लगाई, मर्ज़ात अल्लाह, अपनी मर्ज़ात दे दी, अली की जान ले ली। यही वजह है कि अली सॉलिद नबी लेते हुए नजर आते हैं, घबराते नहीं है। क्यों? इसलिए कह रहे घबराए तो वो, जान उसको प्यारी होती है जिसकी अपनी हो, और जिसने दे दी हो और उसके हवाले करनी हो सिर्फ, यही वजह है जब उसके हवाले की है। यही जुमला कहा, ताकि फजाइल हम सुने। एक है फजाइल, उसका अपोजिट वर्ड क्या है टीचर मौजूद हो? रजाइल। फजाइल मुतजाद अल्फाज, अपोजिट वर्ड जी रजाइल, फजीलत, रजीलत। फजाइल इसलिए सुने जाते हैं, फजाइल सुने रजाइल को छुट्टी करे। अली का इल्म सुने तो जहालत को छुट्टी करे, अली की सखावत सुने तो बोखल की छुट्टी करे, अली की शुजात सुने तो बोझदिली की छुट्टी करे। अभी आप सुन रहे थे ऐलान हमारे मोहतरम मुकर्रम जनाब एजाज हुसैन साहब, क्या जी अभी ऐलान सुन रहे थे ना कि नौजवान यहाँ ड्यूटी दे अपने वालिदैन, बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों को इन ड्यूटी पे मामूर करें, मुतय्यन करें, ताकि अभी से जिस अबू तालिब ने बिस्तर बदल बदल कर अली को मौत के बिस्तर पे सुला के ट्रेनिंग दी है जी। हाँ रात के टाइम, हाँ तो लोग कहते अली क्यों नहीं घबराते थे, जो भी जब जाती थी अली सीना तान के जो है हम परवाना वार जो है रसूल पे कुर्बान होते हुए मैदान में, हाँ मैं दौड़ के चले जाते थे, ये घबराते नहीं थे। हत्ता अली के पास तो जिर्रा ही नहीं थी, जो जिर्रा थी वो शादी के मौके पर अली अमीर ने बेच दी। अब वजह क्या है? वजह ये थी कि अबू तालिब ने बचपन से ट्रेनिंग कराई थी कुर्बानी रसूल के ऊपर, परवाना वार
लिहाजा आप भी अपने बच्चों को ही मुतय्यन करें इन ड्यूटियों पे। सिक्योरिटी एक अहम मुहिम, वो नुकता है सिक्योरिटी, तहफ्फुज, दिफा और सब चीजें दारो मदार इसी दिफा में करती है। अगर दिफा ना हो, सिक्योरिटी ना हो, आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। आप जो अमन से बैठकर ये प्रोग्राम, कुरान नहीं सुन सकते, हदीस नहीं सुन सकते, तारीफ नहीं सुन सकते, ये हजादारी नहीं कर सकते अगर ये दिफा पे जवान बाहर मौजूद ना हो। ये दिफा यानी वो इम्पोर्टेंट ड्यूटी, बल्कि यूं कहूं कि ये वाजिब ड्यूटी है। आप देखें पाकिस्तान को कोई धमकी देता है तो उसके दिफा पे आर्मी मौजूद है, ये आंख में आंखें डालकर फौरन जवाब देती है, अगर तुम ये करोगे तो फिर सुन लो हम ये कर देंगे। ये हाँ, और फिर ये रही शरीफ के पूरी धमकियां आप सुन रहे हैं। ये दुश्मन अगर जो है एक बात करता है तो उसके बाद कहता है हमारी बातें नहीं है, हम प्रैक्टिकली दिखा देंगे और उनको पता चल जाता है। और फिर सुन लो मेरे दोस्तों, इसलिए जुमला कह रहा हूं, रसूल आजम इस्लाम को यूं ना फैला सकते और ना उसका दिफा हो सकता अगर अली जैसा मुहाफिज रसूल के साथ ना होता। नहीं नहीं, आखिर वालों ने जुमला नहीं लिया, मैं जुमला हदीस से सुनाना चाहता हूं। और मेरे दोस्तों चुपचाप साथियों, हाँ इब्ने अबिल हदीद मोतली, ये शिया राइटर नहीं है, बहुत बड़ी तफसील लिखी है नहजुल बलागा की, हाँ शरह इब्ने अबिल हदीद मोतली, उसके अंदर एक हदीस लिखता है, वो हदीस सुन लो। वो कहता है काला रसूलुल्लाह, नबियों के सुल्तान ने जो तोल कर इरशाद फरमाना है, वो नबी इरशाद फरमाते हैं मा कामा दीनी वला इस्तकामा, दीन कायम ना हो सकता दुनिया में, दीन इस्लाम अपने पांव पे खड़ा ना हो सकता, इल्ला बिस्नैन, अगर दो चीजें ना होती तो दीन तुम तक ना पहुंचता। वो लिखता है इस्लाम पहुंचा है तुम तक दो चीजों के सदके, इल्ला माल खदीजा व सैफ अली, एक खदीजा की माल की बरकत है, एक अली अपने अबू तालिब की तलवार का सदका। पॉइंट इतना अहम है, ठीक है, इंशाल्लाह आप तवज्जो करेंगे तो फिर आपको भी हाँ उसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। ऐसे कुरान ने नहीं कह दिया, कोई सिफतें हैं जिनको कुरान ने मेजारे फजीलत करार दिया है, हर सिफत को नहीं, कुछ सिफतें हैं, कहा ये सिफत जिसके पास है फिर इस जैसा कोई नहीं। मसलन कहा कुल हल यस्तवी लजीना यालमूना वल्लजीना ला यालमून, फरमाया कि इल्म वाले और गैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, फर्क फर्क करार दिया, आलिम और जाहिल बराबर नहीं है, हाँ ये मेयार, हाँ और फिर उन्हीं में एक सिफत को मेयार करार दिया, सुन लो, फज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन, हाँ मुजाहिदीन की अजमत बयान करते हुए गोया फरमा दिया अकल से काम लो, अरे लड़ने वाले और भागने वाले ये बराबर नहीं हो सकते। इसलिए बाद औकात मैं सोचता रहता हूं, हर तमन्ना तो मेरी भी पूरी नहीं होती, मैं कहता हूं काश कलमा को जरा तवज्जो करते कि आप तक इस्लाम पहुंचा है तो किसकी तलवार के सदके। रसूलुल्लाह ने तलवार नहीं चलाई, सुन लो, रसूल के गार्ड, रसूलुल्लाह के मुहाफिज जी अली इब्ने अबी तालिब ने रसूल की भी हिफाजत की है और इस्लाम की भी हिफाजत की है। जब भी मुश्किल बनी है इस्लाम पर तो आगे कुर्बान होने के लिए बड़ा है अबू तालिब का बेटा अली जी। इसलिए हाँ ये सुन्नी आलिम दीन है पर मुनसिफ आलिम है, मुनसिफ कहता है अगर अली की तलवार न होती तो ये इस्लाम न होता। हिफाजत, और यही वजह है कि शबे हिजरत के बाद रसूलुल्लाह हिजरत करके कहां आ गए, शहरे मदीना, नाम पुराना यसरफ,
सुन ले बच्चे, बच्चों को इल्म होना चाहिए। जब तक रसूलुल्लाह जी हिजरत करके जब मदीने पहुंचे, जब तक अली मदीने ना आए, तब तक रसूलुल्लाह मदीने के बहर अली का इंतजार करते रहे। हाँ, नहीं मालूम कुछ दोस्तों को, वो कहते हैं मदीने सिटी में आ गए। नहीं, जिम्मेदारी से तोल कर कहता हूं, अली का इंतजार करते रहे, नबी मुंतजर, अली मुंतजर। और मैं बच्चे भी सुन ले, अगर कभी सवाल हो जाता है और इनाम रख देती है उम्मत के, कौन सी पहली मस्जिद है जो इस्लाम में बनी? भूले से बच्चे कह देते हैं मस्जिद नबवी। ना जी, जहां रसूल अली का इंतजार करते रहे उस जगह पर रसूलुल्लाह ने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम है मस्जिद कुबा। क्या नाम है? ये पहली मस्जिद है जो इस्लाम में बनी जिसमें दो रकात नमाज पढ़ना हज उम्रे का सवाब है। जो गए हैं रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए मदीने, इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा, ज़ूक बिलतैन, ये सब ज़ियारतें कर चुके होंगे जी। और फिर जब अली आ गए, अली को लेकर नबी मदीने सिटी में दाखिल हुए और वहां नमाज जुमा का हुक्म नाजिल हुआ। और पहली नमाज जुमा जो रसूलुल्लाह ने कायम की, इकामत कहने वाले अली। और फिर दूसरी मस्जिद बनी मस्जिद नबवी। फिर नहीं है वरना मैं वो पढ़ता हजरत अबू अय्यूब अंसारी जी और मस्जिद नबवी और पूरी डिटेल आपके सामने रखता। नहीं है टाइम, ठीक है, नहीं है। हाँ, अगला जुमला मैं पेश करना चाहता हूँ सिक्योरिटी के हवाले से। हाँ, और कुछ दोस्त समझ रहे हैं नबी के जो दुश्मन नबी को कत्ल करना चाहते थे, अब नबी तो मक्का ही छोड़ के यसरिब वो मदीना आ गए, अब तो नबी ने सुख का सांस लिया होगा, अब तो दुश्मन वहां रह गए। लेकिन तारीख ये कहती है नबी को कत्ल करने वाले वो 500 किलोमीटर का सफर करके मक्के से चलकर मदीने आकर नबी पर हमला कर दिया और पहली जंग लड़ी गई इस्लाम में जिसका नाम है जंगे बद्र। इस्लाम जंग का हुक्म नहीं देता, दिफा का हुक्म देता है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला कर दे, इस्लाम कहते हैं दिफा करो जी। तारीख ये कहती है कि उस वक्त जंगे बद्र में मुसलमान 313 थे और जो कुफारे मक्का कहां से चले थे, बच्चों का ज़हन हाज़िर हो जाए, मक्के से जी, वो 1000। अचानक उन्होंने जो हमला किया, ये निहत्ते अपना माल सब कुछ तो छोड़ के आए थे वहां, कहां मक्के, निहत्ते थे कहां मदीने। हाँ, साबे सुफा झोंपड़ी में रहने वाले, बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजारने वाले, हाथ भी काली, न तलवारें सबके पास, न नेजे सबके पास, न जिरवे, न घोड़े, न घी, न तक दिफा का कोई सामान नहीं। अब उधर से हमला हो गया जंगे बद्र। अब सूरत हाल तारीख और तफसीर में ये लिखी कि हालत ये थी कि इधर नबी के प्यारे घबरा रहे थे, अब क्या होगा, 1000 कलिश्कर झरोर है, हम निहत्ते हैं, उनके पास असला है और वो हमला करेंगे, हम कहां जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि जिब्रील अल्लाह की तरफ से ये पैगाम लेकर आया, या रसूल अल्लाह, मालिक फरमाता है इनसे कह दो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मदद की तुम्हें जरूरत पड़ी तो मैं फरिश्ते भेज दूंगा। पहली और आखिरी जंग है जिस जंग में फरिश्ते आए थे जी। अब तारीख ये कहती है कि जंग शुरू हुई और उनका 1000 का लश्कर जो है हमला आवर हुआ मुसलमानों पर, और एक हदीदर से मुसलमानों ने जवाब दिया और मुसलमानों को जंगे बद्र में हुई फतह। जंग नहीं पड़ सकता, एक जुमला कहना चाहता हूं कि जिसने वादा किया था निभाया या नहीं, दिफा रसूल का हुआ या नहीं। तारीख ये कहती है कि उस वक्त उनके 70 आदमी फिन्नार व सकर हो गए। अब बच्चे बोले 1000 में से 70 फिन्नार हो गया, बाकी कितना बचे? 930, 930 के 930 कुफारे मक्का दुश्मन रसूल मैदान छोड़कर वापस मक्के की तरफ दौड़े, दौड़ते भी जा रहे थे, एक दूसरे को ताना देते थे, अरे तू क्यों भागा, कहता था कि मैं तो अली से लड़ूंगा, अरे तू क्यों भागा, कहता था मैं रानी खान हूँ, अरे तू क्यों भागा, कहता था मैं जंडेल हूँ, अरे तू क्यों, कहता था मेरे पल्ले का बंदा ही नहीं है, अब क्या भागा क्यों। हर एक की जबान पे ये जुमला था, अरे मैं इसलिए भागा, मेरे पीछे अली था, मेरे पीछे अली था।
दिया, कहीं मौली साहब खाली तो नहीं है, अली को इतना बढ़ा दिया। और मेरा दोस्त किताब उठा, हर किताब ने यह जुमला लिखा कि अली की शक्ल अल्लाह को कोई इतना पसंद है कि अल्लाह ने जितने फरिश्ते भेजे थे सबकी शक्ल अली वाली थी। कितने भागे? तवज्जो, 900 जी। कितने कत्ल हुए? 70। अब तारीख उठाओ, शेख मुफीद बड़ा आलिम है जी, उसने किताब लिखी है, उसके अंदर वो लिखता है कि अल्लाह ने जितने फरिश्ते भेजे जी, वो और अली के अलावा, अली को छोड़ दे, अली के अलावा बाकी जितने सिपाही थे जी, जिसे इनको हाजिर करें, अली के अलावा बाकी जितने सिपाही थे और अल्लाह के जितने मलाइका आए थे, सब ने जिनको जहन्नम पहुंचाया उनकी तादाद थी 34। अकेले अली ने जो गाजर मूली की तरह काटे वो थे 36। असल बयान ये करना चाहता हूं, आज सुनते जाओ मुहर्रम की इस मजलिस में, कि इस्लाम फला फूला परवान चढ़ा और यहां दुनिया तक पहुंचा तो किसकी तलवार के सदके। अगर वो न होता तो बड़ा आलिम है जिसका नाम मैंने लिखा, वो नबी की जबान से लिखता है कि नबी फरमाते हैं इस्लाम न बचता अगर अबू तालिब का बेटा अली न होता जी, इसलिए जुमला कह रहा हूं। हाँ तो फिर बात्र अब छोड़ दिया, मैं सारी जगह नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक जुमला जरूर कहता हूं आगे ताकि मालूम हो जाए कि जिसने वादा किया था उसने वादा निभाया या नहीं। अब कोई दोस्त सोच रहे हैं कि वो भाग गए 930, अब नबी की जान छूटी, नबी ने सुख का सांस लिया होगा ना। मेरा दोस्त तारीफ ये कहती है कि एक साल के बाद दोबारा जंग के लिए वहां से लश्कर तैयार हुआ कुफारे मक्का का जी, और नबी पर हमला कर दिया मदीने आकर। क्या नाम है उस जंग का? जंगे ओहद जी, जंगे, हाँ जंगे ओहद। मुझे तो वो सारी जंग कैसे पढ़ू, कितने सिपाही थे, कैसे आए, क्या क्या हुआ, इतना तो टाइम नहीं है ना। मैं तो एक जुमला कहूंगा, वो तारीख खोलूंगा जल्दी पढ़ने का, मैं वर्क लुट दूंगा। तारीख ये कहती है कि उस वक्त, हाँ अब जो लश्कर आया पिछले साल वो था 1000, अब तैयार होकर आए हो गए 3000। मुसलमान पिछले साल कितना थे? 313, अब ये भी बढ़ गए कुछ, अब ये हो गए 1000। अब कुछ ने तलवारें मलवारें बना ली, फिर मेरे लूहे मुहे काट कर जी अपने हाथ से ही बने, और उस वक्त कुछ ने बना ली, और फिर भी अभी काफी थे जिनके पास तलवारें नहीं थी, हाँ खाली मेजे थे और घोड़े तो थे ही नहीं, चंद एक के पास घोड़े थे। हाँ अब उसके बाद उधर से जो लश्कर जर्रार आया 3000 का, सभी एक के पास तलवारें भी, नेजे भी, सिर्रे भी, खून भी, एक एक के पास, और इधर हालत ये थी चंद के पास असला बाकी खाली। अब उधर से जब हमला हुआ तो नबी ने हिकमत अमली से काम लिया, ओहद पहाड़ के दामन में, ओहद के एक दर्रा था, खतरा था इधर से दुश्मन हमला न कर दे। नबी ने फरमाया यहां से ये 70 बंदा चढ़ जाओ इस दर्रे पर, हमें हो फतह या हो शिकस्त, अरे तुम्हें ये दर्रा नहीं छोड़ना, खड़े रहना। वो उधर मुतय्यन हो गए, इधर से हमला शुरू हो गया। जैसे हमला हुआ तारीख कहती है कि पहले ही हमले में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को फतह हुई, मुसलमान उनको मार रहे थे, कुफार भाग रहे थे, मक्के की तरफ वापस जा रहे थे। अब वो शिकार तो खाई, अपना सामान भी फेंक कर ही वो माले गनीमत बन गया, वो दौड़े जा रहे थे जान बचा के, माल फेंक के जा रहे थे, मुसलमान माले गनीमत जमा कर रहे थे, इधर ये जमा कर रहे थे, वो दर्रे वाले देख रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने उठा लिया वो उनका हो जाएगा और हम तो रह जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि अपनों ने वो दर्रा
छोड़ दिया, हालांकि नबी ने मना किया था, फतह हो या शिकस्त, अरे तुम्हें दर्रा नहीं छोड़ना, लेकिन उन्होंने दर्रा छोड़ दिया। वो भी माले गनीमत में शरीक हुए जमा करने में, और वो कुफारे मक्का जो मैदान छोड़कर वापस मक्के पहुंचे थे, मक्के की तरफ जा रहे थे, उन्होंने मौका समझा, वहां से मुड़ते मुड़ते उधर जमा होते हुए उसी दर्रे से हमला किया मुसलमानों के पीछे से और ऊपर से दर्रे से हुआ हमला। अब तारीख ये कहती है पहले तो वो जा रहे थे, तवज्जो, सब कुछ मैं नहीं पढ़ सकता, टाइम नहीं, कुछ आप भी तो सुने ना, पहले तो वो जा रहे थे लेकिन अब ये जा रहे थे। कुरान ने मंजरकशी की है, सुनोगे कुरान, कुरान कहता है जरा उस वक्त को याद करो जब अपने भी छोड़ के जा रहे थे और नबी बुलाते थे, तुम पीछे मुड़ के देखते नहीं थे। नबी जख्मी हुए थे इस जंग में, जो आपने सुन रखा है गलत शहीद हो गए, वही जंग के ओहद आए। आखिर वाले जो आपने सुना है अमीर हमजा शहीद हो गए, वो यही जंग के ओहद थी। नबी जख्मी हुए, गहे बिगड़ गए, शैतान ने आवाज बुलंद कर दी, कतला मोहम्मद, मोहम्मद कतल हो गए, मुसलमानों का नुकसान हो गया, अमीर हमजा जैसा शहीद हो गया, रसूल गहे बिगड़ गए। उस वक्त तारीख ने किया जिसने वादा किया था, कह के दावत अलशीरा में था, वो उठकर तलवार उसके हाथ में है, कभी मेमना पे हमला करता है, कभी मैसरा को छूता है, कभी कलब लश्कर को उलट पलट देता है। तारीख ये कहती है नबी को कहे से भी निकाला, हाथों पे भी बुलंद किया, हाजर मोहम्मद रसूलुल्लाह, नबी को महफूज जगह पे बिठाया, तवाफ किया है अली ने, दाएं तरफ से हमला होता है तो जवाब देता है अली, दाएं तरफ से यलगार होती है तो रन करता है अली, सामने से हमला होता है तो जवाब देता है अली, नबी की हिफाजत भी कर रहा है, दुश्मन से भी लड़ रहा है। चलते चलते अली की तलवार टूट गई, टूटी तलवार अली की, आसमान की तरफ देखो, मेरे अल्लाह, अपने हबीब को बचाना है तो तलवार भेज। इस्लाम की हिफाजत की तो किसने, नबी का दिफा किया तो किसने, जान की बाजी लगा दी तो अरे किसने, अरे जिसने वादा किया था वो निभाया या हाजी जी, इसलिए कहता हूं सिक्योरिटी पॉइंट इतना अहम है,
वरना ये प्रोग्राम ना होते, ये इस्लाम ना होता अगर अली ना होते। हाँ छोड़ दिया, नहीं पढ़ सकता बाद में, नहीं पढ़ सकता हो तो। हाँ बाकी जो है, जब अली ने भगाया तो उनमें जाकर मक्के जाकर सांस लिया। अब मेरे कुछ दोस्त मुझे देखकर कह रहे हैं मौलाना अब उन्होंने नबी ने सख्स का सांस लिया होगा, अब नबी से लड़ने ना आए होंगे कुफार मक्का मक्का से। ना मेरा दोस्त, हाँ हिस्ट्री पढ़, तारीख ये कहती है कि एक साल तैयारी की और फिर अबू सुफियान ने तैयार किया लश्कर को और देखकर कहा कि एक जवान था जो बद्र उहद में नहीं था, वो उसको ले आया खंडक में, उसका नाम है अम्र इब्ने अब्देवुद। जुमला याद रहे कि अम्र इब्न माना बेटा, अम्र इब्ने अब्देवुद, बुद्ध बुद्ध का नाम है, उस बुद्ध बुद्ध का अब्द यानी उस बुद्ध का गुलाम का बेटा। तलफ़ रीडे कैसे है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं रीडे कैसे करनी है कि हाँ। उसके बाद उसे देखकर जाकर लिया और जितनी पहले जंगें थी उसमें सब गिरोह नहीं थे। अब कहा कि नतीजा खेज जंग करनी है, बद्र न जीत सके उहद न जीत सके, अब ऐसी जंग करनी है जिसमें नतीजा खेज होनी चाहिए। सारी पार्टियों को अपने साथ मिलाया, सारे गिरोह अपने साथ मिलाए। सुन लो, पार्टियों गिरोह को अरबी में बोलते हिज्ब जम्मा अहजाब, इसलिए जंग का नाम क्या है, जंग के अहजाब। रसूल के मुकाबले में सब एक हो गए थे अगरचे उनकी आपस में नहीं बनती थी, सुन लो, लेकिन रसूल इस्लाम के मुकाबले में हाँ हमने अपने आपने वो को देखकर तैयार किया, तू किसी और से न लड़ना बेशक न लड़। एक फौजी है नबी की फौज में जिसका नाम अली है, जो बेटा है वो तालिब का, चल उसी का तू जवाब देना बाजियों की छुट्टी। यानी किसी पे तक न थी, तक पड़ती नहीं थी सिवाय अली के। ये लिहाजा वहां से लश्कर तैयार हुआ और उन्होंने आकर हाँ इस नियत से कि आज नतीजा खैर जंग होनी चाहिए। सारा इस्लाम है मदीने में, सारा कुरान जो नाजिल हो चुका है वो भी मदीने में, मुसलमान जो कलमा पढ़ चुके हैं वो भी मदीने में, तौहीद वाले मदीने में, सच्चू वाले मदीने में, खुदा वाले मदीने में, कुरान रसूल खुद मदीने में। हाँ आज मदीने की ईंट से ईंट बजा दो और फिर जब नहीं रहेंगे मुसलमान और कुरान और रसूल, फिर कोई नहीं होगा हमारे बुतों की नफी करने वाला और वाला। इसलिए वहां से दौड़ते हुए हाँ और वहां से लश्कर लेकर आकर हमला किया। इधर नबी ने भी सलमान फारसी के मशवरे से आगे खंडक खुदवा दी और मदीने की हिफाजत भी हो, दुश्मन से लड़ाई भी हो। जैसे आए उन्होंने अम्र इब्ने अब्देवुद ने खंडक का जायजा लिया, छोड़ दिया सारा मौजू और घोड़े को पीछे ले लिया। एक जगह से खंडक तंग थी, शायद किसी तंग वाले ने खोदी होगी, दूसरे लफ्जों में यूं कह दो, उसने जौलान देते हुए वहां से घोड़े को जौलान दे दिया, वो खंडक कबूल करके खुद अंदर वहां आ गया जहां रसूल बैठे थे। मैं मंजर कशी नहीं कर सकूंगा, नबी जहां मौजूद थे वहां ललकार कर कहता या मोहम्मद हल में मुबारक, कोई जवान है तो भेद, इधर कौन है रसूलुल्लाह, अली और बाकी सारे। तारीख ये कहती है सर झुक गए, सरों पे फिरंदे बैठ गए, किसी ने जवाब न दिया इल्ला अली इब्ने अबी तालिब। तारीख ये कहती है नबी ने अली को बिठा दिया। फिर उसने ललकारा हल में मुबारक, जाओ मोहम्मद, कोई जवान है तो भेज। हत्ता ये मैं जुमले कहूं ली लो, तारीख है हिस्ट्री है कि इतना देर हो गई इधर से न गया कोई सिपाही कि उसने वो नेजा नबी के खैमे पर आकर ऐसे मारा और देखकर कहा मेरी तलवार से कोई जन्नत में जाने वाला नहीं है, तुम कैसे तौहीद वाले हो जी। अब उस वक्त नबी ने कहा कोई है जो इस कुत्ते को जवाब दे। अली की आंखें सुर्ख हो गई, या रसूल अल्लाह अब मुझे इजाजत दे दो ताकि मैं इसको दर्स पढ़ा दूं। ये उस वक्त अली
को रवाना किया है नबी ने। दोस्तों कैफियत ये थी, अली की अपनी जिर्रा शादी के मौके पे बिक गई थी, नबी ने अपनी जिर्रा अली को पहनाई, नबी ने अपनी दस्तार अली के सर पे रखी जी, हाँ अपना लिबास जंगी अली को पहना कर यूं रवाना किया। चुपचाप साथियों, हाँ अली नबी बनकर चले, उधर अम्र है इधर अली है, उधर अम्र है इधर अम्र बने आपके वक्त। अब जुमला अगर आप होते या मैं नाकिस होता तो यूं कहते, क्या कहते, अली जा रहा है अम्र बने आपके वक्त के मुकाबले में जी। अगर कोई और जज्बाती होता तो कहता अमीर जा रहा है काफरों के मुकाबले में, कोई और होता तो कहता अबू तालिब का बेटा जा रहा है अम्र बने अब्द वद के मुकाबले में, कोई और होता तो कहता मोहम्मद का भाई वजीर मुशीर वसी जा रहा है यहाँ अम्र बने अब्द वद के मुकाबले में। और बात न तेरी न बात मेरी, और न बात नबी की सुनो जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी ने बोला। देखकर नबी देखकर फरमाते कौन जा रहा है किसके मुकाबले में, और कदर दानो तो लो नबी ने फरमाया, फरमाया बरज अली मानो कुल्लहु कुफ्र कुल्ले, ये कौन ईमान जा रहा है कौन कुफ्र के मुकाबले में। गोया कायदा दे दिया, रूल और उसूल फरमा दिया कि अली है अरे कुल्ले ईमान, इसके मुकाबले में जो आए जब आए जी जी सही है ना। हाँ तो फिर ये इधर से अली चले और जंग नहीं पड़ता अम्र बने अपने वक्त के साथ जी, रद्द बदल हुई तलवारों की, हाँ वो छोड़ दिया और अम्र पे हमला करते हुए अली ने सर काटा और एक हाथ में सर लिया एक हाथ में तलवार ली। हाँ मेरी तरफ देखना तब समझ आएगी, एक हाथ में अम्र का सर, अम्र बने अपने वक्त काफिर का सर, एक हाथ में तलवार, सामने दुश्मन इधर नबी, सामने दुश्मन इधर नबी। अली ने दुश्मन की तरफ देखा और यूं चले, हाँ यूं चले, दिखाया उसे दुश्मन को, ही देखने वाले सह न सके बर्दाश्त न कर सके, कहा या रसूल अल्लाह अली तकब्बुर से चल रहा है। नबी फरमाते हैं समझो अली का ये चलना अल्लाह को पसंद आ रहा है, अली दुश्मन को दिखाकर अमली प्रैक्टिकली ललकार रहा है, अगर कोई और अम्र है तो आ जाए अली मैदान में खड़ा है। मैं कहता हूं अली तेरी अपनी किस्मत है, कुछ वो है जिनको तेरी तलवार मार रही है और कुछ वो है जिनको तेरी रफ्तार मार रही है। इस्लाम का दिफा किया तो किसने, नबी को कत्ल से बचाया तो किसने, इस्लाम पे कुर्बान हुआ तो वो कौन, इस्लाम तुम तक पहुंचा है तो किसके सदके। हल जजा एहसान इल्ला एहसान, अरे एहसान का बदला एहसान, तो अपने मोहसिन को पहचानो। जुमले को आगे बढ़ा देता हूँ, छोड़ दिया मैंने सारा जी। जाकर अली ने अम्र का सर नबी के कदमों में ऐसे फेंका, नबी ने उठकर अली को सीने से लगाकर जुमला इनाम में कहा, फरमाया ज़रबतु अलीन फी यौमिल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन, अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से बढ़ गई। नहीं नहीं जवान परेशान हो गए, क्या वजह है, सकलैन को कहते हैं जिन और इंस, इंस इंसान आदम से शुरू हूं और कियामत तक जितने हैं, और फिर जिन भी सबकी इबादत तराजू के एक पलड़े में, आदम से लेकर कियामत तक जिन व इंस सकलैन, यानी जिन व इंस इंसान और जिन ये तराजू के एक पलड़े में, अली की सारी इबादतें नहीं, अली की सारी जंगें नहीं,
अली की सारी जरूरतें नहीं, फकत एक हिकड़ी एक जी, एक जरूरत रखो तोल तू नहीं, नबी तोलते हैं। फरमाते हैं कि अली की जरूरत वाला पलड़ा झुकता हुआ नजर आएगा। परेशान हो गया मैं राज खोल देता हूं, अभी तक मैंने पर्दा हटा देता हूं ताकि परेशानी आपकी खत्म हो जाए। क्या रीजन थी कि एक जरबत नबी के आंखों में, नबी के तराजू और मीजान में सकलैन से बढ़ गई। दोस्तों वो लोग अहज़ाब सारे एक होकर पार्टी बनकर आए थे, आज वो नबी का खेल कहते थे कुरान को भी खत्म करना है, इस्लाम को भी मिटाना है, मुसलमानों को भी कत्ल करना है, रसूलुल्लाह भी खत्म हो जाए, कुरान भी, ना कोई सजदे करने वाला, ना कोई रुकू और इबादतें करने वाला रहेगा, ना कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला रहेगा। आज जो है मदीने की ईंट से ईंट बजा दो, अगर उनको हो जाती फतह कयामत तक कोई सजदा करने वाला ना होता, अरे कयामत तक कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला ना होता। अब कयामत तक जो सजदे होंगे, कयामत तक जो रुकू होंगे, कयामत तक जो कलमा पढ़ा जाएगा, ओ जवान चुपचाप साथी फरमाया ये अली की जरबत के सदके में तू बेशक चुप रहे, अल्लामा इकबाल चुप नहीं रह सका, उठ खड़ा हुआ इकबाल और देखकर कहता इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक जरबे के तो लो ही एक सजदा है शब्बीर। कॉस्टली टाइम का, लेकिन क्या करूं कि एक जुमला जरूर पढ़ते हुए दुआ के करीब पहुंच जाऊं, और वो जुमला ये है कि दावते जोला शीरा में जिसने वादा किया था, रसूलुल्लाह को कॉल दिया था, कॉल कॉल अहद वद वो निभाया या नहीं, नबी से दाद वसूल की तमगा लिया या नहीं जी, हाँ हाँ ऐसे उतरी या ना, टाइम होता मैं एक एक आयत पढ़ता आप मजे लेते जी। हाँ तारीख ये कहती है कि यही वजह है इस्लाम जीता कुफर हारा, रसूल जीते कुफार हारे, मुसलमान बच गए कुफार कत्ल हो गए जी। और उसके बाद चलो एक जुमला और पढ़ता हूं फिर समेट देता हूं, ये कुछ पढ़ता हूं कुछ आपकी स्टडी पे छोड़ता हूं, खुद भी पढ़िएगा जी। और वो जंग भी आ गई, हाँ जिसका नाम है जंगे खैबर। 39 दिन जाते रहे कामिल और सालिम आते रहे जी 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 जी, हाँ और फतह ना हो सकी, नबी को कहना पड़ा लाओ तयन्नर रायता गदन रजुलन करौरन खैरा फरौरन कल अलम, मैं मोहम्मद उसको दूंगा अरे जो मर्द होगा। अब जो पहले जाते रहे मैं नहीं कह सकता जी जी, हाँ वो उसको दूंगा जो रजुलन रजुलन रजुल मर्द होगा जी, हाँ सुपरमैन इन इस्लाम जी मर्द होगा, और वो फतह करेगा वापस नहीं आएगा जब तक खैबर को न उड़ाए। सुबह हुई फरमाया आईना आईना अली अली कहाँ है, अलम नबी ने अली को दिया छोड़ दिया नहीं, जगह नहीं उसके लिए टाइम चाहिए जी, अलम लिया है अली ने और जाकर बढ़ा है खैबर की तरफ और ऊपर बुलंदी पे मरा, और उसकी बहन देख रही थी, पहले जो आते थे वो और थे, आज जो आ रहा है ये और है, उसने जाकर अलम जो है पत्थर में गाढ़ा, अली ने पत्थर में अलम गाढ़ा, उन्होंने देखा नहीं, और फिर अली को चलते देखा, अली की रफ्तार देखी, अली की अंदाज देखा, हाँ मरहत की बहन, हाँ मरहत से मरहा, ये जो जवान आ रहा है इससे नहीं लड़ना, क्यों
कहा इसलिए कि जो पहले 39 दिन आते रहे मैं उनको भी देखती रही और आज जो आ रहा है इसको भी देख रही हूं। फर्क को इतना है जो पहले आते रहे कभी दाएं देखते थे कभी बाएं देखते थे कभी मोड़ के पीछे देखते थे। ये जो जमाना रहा है न दाएं देखता है न बाएं देखता है न मोड़ के ये पीछे देखता है। इसकी निगाह या खैबर के दर पे है या तेरे शान पे है। मैं जुमला यही कहना चाहता हूँ और वो जुमला ये है एक इस्लाम बचा अली की तलबा उनके सदके। अब जमान ये मेरा जुमला ले ले तो मुझे इजाजत दे दे और जुमला ये है अली ने जिस जिसके बाप को मारा जिस जिसके मामू और भाई को मारा अरे जिसके दादा को मारा क्या है जहन अकल जी कि अली की मोहब्बत आई उनके सीनू में या अली का बोगस। बच्चे नहीं समझ सकते वाकया करबला क्यों हुआ। टाइम नहीं है वरना मैं पूरी तकरीर पढ़ता। अब टाइम नहीं है मैं क्या करूं। मेरे जहन में एक हदीस भी है कि मैं अपनी तकरीर के तीन हिस्से करूं शान फरमान अरमान। जी फरमान का हिस्सा भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह कल से मैं शुरू कर दूंगा। जी अभी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ अरब ऐसे कीना रखते थे जिस तरह ऊंट कीना रखता है। अली का बुग्ज आ गया उनके सीनों में और फिर मुझे माफ करोगे मां जुमला ये है फिर अली से बदला लिया है औलादे अबू सुफियान ने। जी इंतकाम अली की औलाद को वो बदला देना पड़ा बदला चुकाना पड़ा पर उन्होंने कहा ठीक है हमारे बाबा ने इस्लाम के लिए तलवार चलाई थी रसूलुल्लाह के दिफा में तलवार चलाई थी ये अगर ये बुग्ज रखते हैं तो रख दे। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने भी ईमान की पहचान अली की मोहब्बत को करार दी जिसके सीने में अली उसके सीने में ईमान। हाँ यही रास्ता। इसलिए कुछ जाकिर पढ़ते हैं जी कि जब अली की औलाद को बदला चुकाना था तो काश अल्लाह अली को भेड़िया न देता। दुश्मन तो हर किसी के होते हैं हर किसी के दुश्मन होते हैं अली के भी दुश्मन थे। इसलिए कुछ हाँ कुछ जाकिर खतीब कहते हैं काश अली को अल्लाह फिर बेटियां न देता ताकि इंतकाम लेने वाले अली की बेटियों के हाथों में रस्सी आओ ये आजादारी के दिन आ गए ये मातमदारी के दिन आ गए मेरा खुन्नी जी भाई ये करीम लजपाल घराना है मामूली ना समझना। जी कूफे की औरत है मुहर्रम से दो दिन पहले 28 ज़िलहज को उसका जवान बेटा फौत हो गया। दो दिन बेटे की कब्र पे रोती रही चांद मुहर्रम का नमूदार हुआ उठ खड़ी हुई देखकर कहती है बेटा अब तुझे नहीं रोऊंगी अब मैं रोने चली हूँ उस मजलूम को जिसकी लाश पे उनकी बहनों को रोने नहीं दिया गया। बेटे की कब्र को छोड़कर चली गई फर्श अज़ाब पे। अशरा गुजारने के बाद जब गई है नी बेटे की कब्र पे देखा एक काले बुरके वाली बीबी बैठी है। कहा बीबी ये तेरे बेटे की कब्र नहीं है मेरे बेटे की कब्र परवाया बेशक तेरे बेटे की कब्र है पर बीबी आप कौन है। फरमाया मुझे पहचान जिस मजलूम के बेटे को
इस मजलूमा के बेटे को तू रोती रही हुई जहरा, नबी की बेटी फातिमा मैं हूं। ये करीम घराना करीम आओ, यही रजब का महीना 28 को इमाम की रवानगी है जी। इस रजब के महीने में तेरे आका इमाम मजलूम नाने के रोजे पर नमाज में मसरूफ थे। वलीद का कासिद आया, हाकिम ने हुसैन तुम्हें दरबार में बुलाया है, फरमाया तुम चलो मैं आ जाता हूं। यही वो चला गया, इमाम घर पहुंचे, दरबार में जाने की तैयारी की, शरीकतुल हुसैन ने देख लिया। जी जी, मैं नाम नहीं लेता, आपका ज़हन हाजिर रहना चाहिए। ही उम्मल मसाहिब बीबी ने देख लिया। हाँ, देखकर पूछा माँ जाए कहाँ जाने का इरादा है, देखकर फरमाया बहन दरबार में वलीद ने बुलाया है। दरबार का सुना, देखकर फरमाया अर्ज करती है मौला आप मेरे भाई है इमाम, बेशक कोई शक नहीं है, पर रात का टाइम है अकेले नहीं जाने दूंगी। दामन पकड़ लिया भाई का जी। देखकर इमाम फरमाते हैं माँ जाई मदीना मेरी मक्तल नहीं है, मैं जाता हूं दरबार। ये देखकर अर्ज करती है भैया माँ जाए हाँ बेशक मदीना तेरी मक्तल नहीं, लेकिन कोई गुस्ताख गुस्ताखी कर ले माँ जाए, यही मदीना नहीं था भाई हसन के जनाजे पे तीर बरसे थे, भैया ये मदीना नहीं था, इसी मदीने में मेरी माँ के पहलू पे दरवाजा गिराया गया, यही मदीना नहीं था, मैं अपनी माँ के पहलू पे पट्टियां बांधती रही, अकेले नहीं आने दूंगी। भाई ने भाई का दामन पकड़ा हुआ है, देखा है फजल की माँ ने दौड़ती हुई आई है, कहती है फजल का बाबा दरवाजे पे भाई और बहन रो रहे हैं। जनाबे अब्बास दौड़े, चलते थे अब्बास बहती थी जमीन में, चले अब्बास देखा मुस्लिम ने दौड़ते हुए हुजरे से निकले, इधर देखा अकबर ने दौड़ते हुए निकले, कासम ने देखा जल्दी से पहुंचे, हाशमी देखते गए अब्बास के पीछे दौड़ते गए, दरवाजे पे पहुंचे अब्बास ने जाकर झुक कर वफा का गाजी को इतना झुका, एक हाथ सानी जहरा के पांव पे, एक हाथ आका हुसैन के कदमों में। हाथ लग गया, हाँ बकिया वाली बीबी की आवाज आई, गाजी राजी हो तूने सिले हुए कमीजों की लाज रख दी। बहन ने जैसे अब्बास को देखा दामन छोड़ दिया, देखकर फरमाया हाँ माँ जाए, भैया आप बेशक चले जाए। हाँ आगे हुसैन है, पीछे अब्बास है, जवानों में हाशमी है। हाँ चलते देखा बहन ने हाशमियों के झुरमट में हुसैन को, दोनों हाथ दुआ के लिए उठा के कह दिया किसी बद नजर की नजर न लगे। आका पहुंच गए दरबार, दरबार के बहन जाकर रुके और रुक कर एक जुमला कहना चाहता हूं, फरमाया अब्बास यहाँ रुक जाओ। आकर नहीं मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। नहीं अब्बास, अगर जरूरत पड़ी मैं तकबीर बुलंद करूंगा, तू बेशक आ जाना। अच्छा का ठीक है, जैसे आपका हुक्म हो मैं तामीर करूंगा। हजरतारों अब्बास रुक गए, अकबर रुक गए, इमाम अंदर पहुंचे, वलीद ने कुर्सी पेश की, खत पेश किया जिसमें बैयत का मुतालबा था, यजीद की बैयत कर और अगर हुसैन बैयत न करे तो सर कलम करके शाम भेज दे। उस वक्त इमाम फरमाते हैं इसका जवाब कल दिन में पूरे मदीने वालों के सामने मैं हुसैन पेश करूंगा, पूरी दुनिया सुनेगी। उस वक्त मरवान बैठा था, वलीद को इशारा करके कहता है हुसैन अकेला आया है, रात का मौका है, इस मौके को गनीमत समझते हुए सर कलम कर ले, और अगर इस वक्त तन्हाई से फायदा ना उठाया तो खून चलेगा, हम खून रेलियां होंगी। उस वक्त इमाम ने जैसे मरवान का जुमला सुना, फरमाया यबन जरका अब तक तो लोनी अब होगा कजिबता असंता। इमाम ने वो खुतबा दिया और देखकर फरमाया कौन है जो हुसैन के कत्ल का हुक्म देता है। इन्ना अहले बैत नबुव्वा व मादन और रिसाला व मुख्तलफ अल मलाइका, सुनो कि इन्ना अहले बैत नबुव्वत हम है, नबुव्वत की काने हम है, नबी हमारे घर से बनते हैं, बिना फताह अल्लाह व बिना यख्तम, इस दुनिया की इब्तिदा हमसे हुई है, दुनिया का इख्तिताम हमसे होगा। वो खुतबा
है, काश टाइम होता मैं पूरा खुतबा सुनाता। इमाम ने वो खुतबा दिया और जेकर जुमले के बुलंद हुए, कौन है मेरे कत्ल का हुक्म लगाने वाला, बुलंद हुई आवाज हुसैन की, अब्बास ने अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद कर दी और दरवाजा खुल गया। अब्बास अंदर आ गए, सर झुका के कहते हैं आका कौन है जिसने तेरे सर का नाम लिया? मौला मुझे इजाजत दो, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। इमाम ने गाजी के सीने में हाथ रख दिया, फरमाया अब्बास मेरा नानी का शहर मदीना है, मैं जंग की इब्तदा नहीं करना चाहता। अब्बास अब्बास और अकबर को संभाल कर हुसैन वापस लेके चले। अब आकर हुसैन ने ऐलान कर दिया, हुसैन मदीना छोड़ रहा है, जिसने चलना है वो तैयारी करे। उस वक्त लिस्ट तैयार हो गई, नाम लिखे जाने लगे, तैयारियां हो रही थी, इमाम भी बैठे हैं बनी हाशिम की हवेली के अंदर, नाम लिखे जा, तैयारी हो गई है, दरवाजा खुला और दरवाजे से जनाब उम्मे सलमा हरम रसूल का और उम्मे हानी अमीरुल मोमिनीन की बहन है, आका हुसैन की फूफी है, दोनों बीबियां ज़ईफ़ा थी, आसास लकड़ के सहारे चलती चलती अंदर आए। इमाम ने देखा, ताज़ीम के लिए खड़े हुए, कुर्सी छोड़ दी, ताज़ीम के बाद दोनों बीबियों को कुर्सियों पर बिठाया, देखकर फरमाया नानी मैं अभी आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला था, आपने ज़हमत की। देखकर कहा बेटा मैंने सुना है आपकी रात जा रही है। हाँ नानी मैं इराक के लिए आज में सफर हूं। देखकर अर्ज करती है हाँ यमनर रसूलिल्लाह, रसूल के फर्ज़ंद, मैंने आपके नाना से सुना था जब हुसैन इराक जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। हुसैन अगर आप इराक जा रहे हैं तो फिर मुझे भी साथ ले चलो। मैं कैसे बयान करूं? और वह जुमला ये है, उम्मे सलमा एक दफा रोने लगी, रोकर कहती है रसूल के बेटे 3 रातें हो गई हैं, ना नजर आने वाले मखलूक कौम जिन्नात के नूहे मैं इन गलियों में सुन रही हूं। हाँ ना नजर आने वाली मखलूक कौम जिन्नात, रसूल ज़ादा जब तेरे नाने का जनाजा उठा था वो मरसी उस वक्त मैंने सुने थे, फिर आपके भाई के जनाजे पे 3 बरसे थे, वो नूहा और गिरिया इन गलियों मदीने में मैंने सुना था, और आपकी माँ का जनाजा उठा वो जिन्नात कौमें औरतें रो रही थी, हुसैन 3 रातें हो गई है फिर से मैं रो रही है, हुसैन मेरा दिल घबराया हुआ है, हुसैन मुझे भी साथ ले चल। फरमाते तू नानी ज़ईफ़ा है, तू सफर की सोमते मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप यहां ठहरे, नानी अगर आप करबला का मंजर देखना चाहे तो मैं इमाम हूं दिखा सकते हो। तारीख ने लिखा इमाम ने ऐसे 2 उंगलियों का इशारा किया और फरमाया नानी बड़ी गौर से देख। जनाबे उम्मे सलमा ने देखा, रोकर कहती है बेटा हुसैन ये तो कोई चटियल मैदान है, जंगल और नैनवा है। फरमाया नानी इसी को करबला कहते हैं। बेटा ये नहर कौन सी है? फरमाया ये नहर अलकमा है, मेरे खेमे लगेंगे फिर उखेड़ दिए जाएंगे। फिर देखकर एक जगह हुसैन ने दिखाई पर खुद भी रोने लग गए। देखकर फरमाया नानी ये जगह देखो, इस जगह मेरे भाई अब्बास के पास वो कलम हो जाएंगे, और मैं अब्बास के पास आऊंगा मेरी कमर टूट जाएगी। आप समझे कि उम्मे सलमा की क्या हालत थी, मातम कर रही थी, रो रही थी, कभी उठती थी कभी बैठ जाती, आशा सोटी के सहारे बैठी हुई थी। अल्लाह रो फिर एक जगह दिखाई, देखकर फरमाया नानी ये जगह को देख, यहाँ मेरा करियर जवाय नानी है तुम्हारे सीने में बच्ची लग जाएगी। तो उम्मे सलमा ने रोना शुरू किया, कहा यहाँ कासम की लाश के टुकड़े हो जाएंगे। एक एक मंजर दिखाया, फिर एक जगह हुसैन, फरमाते हैं नानी ये वो जगह है जहां पर मैं
नर के लिए पानी मांगूंगा, दुश्मन का तीर आएगा जवाब में। अल्लाह ने दोनों बीवियां रो रही थी, जिस तरह आप नूह कर रहे थे, उम्मे सलमा उम्मे हानी मातम कर रही थी, उम्मती ने हवेली बनी हाशिम में मजलिस पढ़ने वाला हुसैन, रोने वाली उम्मे सलमा उम्मे हानी, एक दफा देख कर फरमाया नानी जरा इस जगह को देख बेटा, ये कौन सी जगह है? हाँ फरमाया नानी ये वो जगह है जहां पर मैं आखिरी सजदा करूंगा, जमीन नीचे होगी, बहन कहेगी वो मैं ऊपर से जाएंगे, 70 कदम में मेरी बहन देखती होगी, शिमर का मंजर जलता होगा। एक एक जगह दिखाई, लवाए जोल अशजान अरबी की किताब है, उन्होंने ये मसाइल लिखा। और उसके बाद इमाम ने ऐसे हाथ दराज किया, वापस आया इमाम का हाथ और देखकर फरमाया नानी ये मट्टी करबला की है, नाना ने जो मट्टी दी थी उस मट्टी के साथ अलहदा शीशी में इसको भी बंद कर लो, दोनों मट्टियां नानी रख ले, जब ये दोनों मट्टियां खून बन जाए समझना तेरा बेटा मारा गया। वादादारो बीबी ने वो मट्टी ले ली, शीशी में बंद कर ली, और सहदे औलाद मुझे बताओ उन बीबियों को कैसे नींद आती होगी जिनको इल्म हो ये मट्टी खून बन जाएगी। अजादारो वो जिंदगी के दिन कैसे गुजरे होंगे उन बीबियों के। उम्मे सलमा बीबी कहती है, सुन्नी शिया रिवायत है कि बीबी कहती है मैं सोई हुई थी, जुहर के बाद का वक्त था, वो कहती है मैंने देखा नबी आलम ख्वाब में, नबी के सर से इमामा उतरा हुए है, रसूल के सर में गर्दन उबार है, जुल्फे खुल गई है, आसीने चढ़ी हुई है, और रोते हुए उन रसूल आ रहे हैं। उम्मे सलमा रोकर कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये इमामा क्यों उतरा हुआ है, ये गर्दन उबार कैसे है, बता तो सही क्यों रो रहे हो आप। देखकर फरमाया उम्मे सलमा में करबला से आ रहा हो, ये गर्द मुबार करबला की है, मेरा बेटा मारा गया, मेरा चमन उजड़ गया। अल्लाह तारीफ ऐसे कहती है, उम्मे सलमा तड़प के उठी और दौड़िए उस हुजरे में जहां मट्टी की शीशियां रखी थी, क्या देखा, ताजा खून बनकर शीशियों से खून उबल रहा है। वो खून उठाया, मातम शुरू कर दिया, कितना बीबियां बाकी बच गई थी बनी हाशिम की मदीने में, उन बच्चियों और बूढ़ियों को इकट्ठा किया उम्मे सलमा ने, और शीशियां उठाई, जुलूस की शक्ल में रसूल के रोजे की तरफ चली, और